हाँ जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान डॉक्टर कुलवंत सिंह हैं, जो हमारे साथ पीसीओडी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सर एक मिनट प्रेयर इन साइलेंस करके हम शुरू करते हैं। तो प्लीज 1 मिनट प्रेयर इन साइलेंस। धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर कुलवंत सिंह, एक होम्योपैथी फील्ड में एक बहुत बड़े दिग्गज हैं। ये काफी बड़े एकेडमिशियन भी रह चुके हैं। इनका एक छोटा सा परिचय देते हुए हमारे शुरू करने से पहले, इन्होंने अपना एमडी किया है जीडी मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज से, पटना से। उसके बाद ये 43 ईयर्स प्रोफेसर थे सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसके ये प्रिंसिपल भी रहे। उसके बाद ये डीन थे फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड में। इसके अलावा ये एक्स चेयरमैन है लिटरेचर कमेटी के, सीसीएच के। ये एक्स मेंबर है एजुकेशन कमेटी के, एक्स इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं सीसी सेंटर फॉर होम्योपैथी के लिए। इन्होंने काफी स्टूडेंट्स को के पीजी गाइड भी रह चुके हैं। इन्होंने काफी सेमिनार्स भी दिए हैं इंडिया में, अब्रॉड में, दुबई जैसी जगह में। इन्होंने 2014 में अरब हेल्थ कांग्रेस में इन्होंने अपना स्पीच सेमिनार दिया था, टॉक दिया था। तो हमारे साथ एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह, जो आज हमारे साथ है और हमें पीसीओडी पे हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सर आपका बहुत स्वागत है और हम आपका स्वागत करते हैं। एंड प्लीज सर, अब आपको मंच देते हैं, आप शुरू कर सकते हैं सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, देखिए। हाँ जी सर, आप जरा ट्राई करें, आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ जी सर, विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है सर, विजिबल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी सर, यस सर। सभी को मेरा नमस्कार। विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ IFPPH के सभी साथियों का और विशेष करके डॉक्टर साहनी सर का। डॉक्टर साहनी सर ने एक बार कहा तो उनका कहना मेरे लिए तो आदेश है, तो मुझे करना ही था। और इस नाते आप सबसे जुड़ने का मौका मिला तो ये मेरा सौभाग्य है। आज का विषय PCOD या PCOS हमने डिसाइड किया था। तो PCOS या PCOD मैंने ही सजेस्ट किया था डॉक्टर साहनी सर को, क्योंकि आज के समय पर ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है चिकित्सा क्षेत्र में और इतना ज्यादा हो रहा है, इसका प्रीवेलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके बारे में एक चर्चा बहुत जरूरी है। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है, तो इसीलिए शायद ये एक सिटिंग में बहुत अच्छी तरह से पूर्ण मैं नहीं कर पाऊँ, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। ये बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है जब हम मेन विषय की बात करें और विषय बहुत बड़ा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं PCOD से। PCOS का फुल फॉर्म हुआ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और PCOD का फुल फॉर्म हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बहुत पहले इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाता था कि जब तक ओवरी में सिस्ट नहीं है तो हम उसको PCOD नहीं बोलेंगे, PCOS बोलेंगे, लेकिन आजकल ये चीजें खत्म हो गई हैं। लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके हिसाब से PCO और PCOD को एक ही माना जाता है। ये एक ऐसा विषय है और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल्स के एंडोक्राइन डिसऑर्डर में, विमेन्स की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है
आफ्टर मेनार्के टिल मेनोपॉज, ये जो रिप्रोडक्टिव एज है इसके बीच में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड और पेरिफेरल एडिपोज टिश्यू। ये पेरिफेरल एडिपोज टिश्यू क्यों इन्वॉल्व है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक्सिस है, ट्रायंगुलर एक्सिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, मतलब इन तीनों ऑर्गन्स के इम्बैलेंस में कहीं भी किसी भी कॉर्नर से अगर इम्बैलेंस होता है तो इस इम्बैलेंस के चलते पीसीओएस या पीसीओडी डेवलप करता है। मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक यूटेरस हो गया, यूटेरस के साथ ये फैलोपियन ट्यूब है और ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी है। इस ओवरी के अंदर आपको दिख रहा होगा पूरा कि छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, दीज आर सिस्ट्स। इज इट विजिबल, दिख रहा है? यस सर, यस सर। पिक्चर में विजिबल है कि नहीं? हाँ जी, ये जो सिस्ट है वो विजिबल है सर। विजिबल है साहब, विजिबल है। हेलो, विजिबल है, विजिबल है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज यूटेरस, दिस इज ओवरी एंड ओवरी के बीच में ये जो आप देख रहे हैं फॉलिकल, दे आर द सिस्ट। ओवरी में सिस्ट हो गए, सिस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, उसके चलते देयर मे बी एन ओवुलेशन, एन ओवुलेशन एब्सेंस ऑफ मेंसेस। सो एब्सेंस ऑफ मेंस अगर होगा सो इट विल कॉज इनफर्टिलिटी, जब मेंस ही नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होनी निश्चित है। एक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स छोटा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ द ओवरीज। इम्बैलेंस हॉर्मोन्स का है तो देयर इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी विल डिस्कसिंग लेटर ऑन ऑल्सो, कि हाई लेवल्स ऑफ मेल हॉर्मोन, मेल हॉर्मोन्स की क्वांटिटी जब फीमेल में बढ़ने लगे तो मेल हॉर्मोन्स के चलते फीमेल में मेल लाइक सिम्टम्स ग्रो करने लगते हैं। और मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन वो होता है जो बाहर से दिखने लगता है, दैट इज एक्सेस हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी, लिप्स के ऊपर जिसे हम मूंछ कहते हैं, लिप्स के ऊपर हेयर का ग्रो करना, चिन्स में ग्रो करना, गालों में ग्रो करना, ब्रेस्ट में ग्रो करना, ये सब ऑर्गन्स हैं जहां पर हेयर की ग्रोथ होने लगती है जो नॉर्मली फीमेल्स में नहीं होती है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो आम तौर पर अगर किसी फीमेल में आप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इसको कुछ प्रॉब्लम्स है। और इस तरह की एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं। This condition is known as hirsutism. Male hormones अगर बढ़ने लगे, androgen is the male hormone, androgen level अगर शरीर में बढ़ने लगे female के, तो उसका एक हिस्सा जाकर के skin में ज्यादा sebum बनाने लगता है, वो sebum जाकर के skin में hair follicles में जमा होने लगता है, जिसके चलते face में बहुत सारा acne या मुहासे निकलने लगते हैं। और एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते एडिपोस टिश्यूज बढ़ने लगते हैं जिसके चलते ओबेसिटी होने लगती है। और ओबेसिटी अपने आप में एक कारण है, मोटापा अपने आप में एक कारण है जिसके चलते पीसीओएस डेवलप हो सकता है। ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हुए जो हमको मिलेंगे केस में। इसका इतिहास बहुत पुराना है, डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, डॉक्टर सोरेनस एंड डॉक्टर पेयर। देखिए 460 BC, 130 AD, 1590 AD, इतने पुराने जमाने में भी इन लोगों ने ऐसी महिलाओं का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया था। या कैसी महिलाएं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इनफर्टिलिटी, जो मोटापे की शिकार थी और जिनमें मेल सिम्टम्स, मेल विरिलिटी ज्यादा होने लगी थी, उनकी आवाज मर्दों के समान होर्स हो जाती थी, उनमें मेन के सिम्टम होने लगते थे, मसल्स वगैरह सब सारे ग्रो करने लगते थे, फेशियल हेयर ग्रो करने लगते थे। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स और बाकी लोगों ने बहुत पहले किया था, लेकिन उस समय पीसीओएस की पहचान नहीं हो पाई थी कि ओवरी में सिस्ट उसके हो सकता है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जर्वेशन है वो इन महान चिकित्सकों ने पहले ही कर लिया था। बाद में चलकर 1935 में दो डॉक्टर थे, डॉक्टर स्टीन एंड डॉक्टर लिवेंथल,
डॉक्टर स्टीन एंड डॉक्टर लिवेंथल इन लोगों ने 1935 ईस्वी में ये ऑब्जर्व किया कि ओवरी में एक छोटे 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 सिस्ट फॉर्म कर जाते हैं और इसके चलते वो बहुत सारी समस्याएं जो एक फीमेल में हो सकती हैं वो होती हैं। इस तरह की समस्याओं को पहले नाम दिया गया था स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम। पीसीओएस का पहले नाम था स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम, बाद में उसको कॉमन से करने के लिए उसका नाम पीसीओएस कर दिया गया। आज के जमाने में ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि कितना कॉमन हो गया है पीसीओएस आज के जमाने में, कि करीब करीब 10-20% की जनसंख्या फीमेल्स में आज इस बीमारी से पीड़ित है। होता क्या है कि नॉर्मल सर्वे या डेटाबेस में आया हुआ है कि 5-10% 5-10% फीमेल्स में पीसीओएस मिलता है, लेकिन एक ये देखिए कि 50% फीमेल जो है ये सिर्फ डायग्नोज होती है। तो 50% पेशेंट तो डायग्नोज हुआ ही नहीं, वो तो डॉक्टर के पास गया ही नहीं, जहां पर लिटरेसी कम है, जहां पर ट्रीटमेंट की सुविधा कम है, उनको तो पता ही नहीं कि उनको पीसीओएस है, सिम्टम्स है, बीमारी है, चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन भी हो रहा है। सो ओवरऑल अभी ये डिसाइड किया गया है 2018 में, उसके बाद 2020 में एशरे एक कॉन्क्लेव होता है इसी मामले को लेकर के, गायनेकोलॉजी कॉन्क्लेव, उसमें डिसीजन दिया गया है कि अबाउट 15-20% ऑफ द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। आप सोच सकते हैं ऐसी और कोई एक बीमारी आप बता दीजिए आज के जमाने में जब हम बोल सकते हैं बहुत गारंटी के साथ कि 15-20% आबादी किसी एक बीमारी से पीड़ित है, शायद नहीं। लेकिन ये ऐसी बीमारी है पीसीओएस जो 15-20% महिलाओं में मिलती है, और इस 15-20% जो महिलाएं हैं इसमें जो मैं बोल रहा था ना कि फीमेल में मेल लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर होता है जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, तो आउट ऑफ दिस 15-20% फीमेल्स 50-70% आर हैविंग हिर्सुटिज्म। बहुत बड़ी संख्या है, पेशेंट को अगर आप सही तरह से अध्ययन करें तो देख कर बता सकते हैं कि उसको हिर्सुटिज्म होने का चांस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक बता रहा हूं मैं, 50-70% में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना जरूरी हो गया है जो हम जांच नहीं करवाते। पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा हमको पीरियड्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमको ये नहीं हो रहा है, तो हम बहुत बहुत होगा तो एक बार थोड़ा बहुत हार्मोनल जांच कराते हैं, इंसुलिन जांच नहीं कराते हैं जो बहुत आवश्यक है। अगर वो पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो उसको पीसीओएस होना निश्चित है, ओबेसिटी होनी निश्चित है, और हिर्सुटिज्म बाहर से एक लक्षण है जिसको हम समझ सकते हैं कि हिर्सुटिज्म अगर है तो उसको पीसीओएस हो सकता है। एक बहुत छोटा सा परिचय मैं दे दूं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बहुत बहुत स्मॉल में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसमें कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व है जिसका बार बार नाम आएगा हमारी चर्चा में। तो मेंस जब खत्म हो गया, यहां से मेंस जब स्टार्ट होता है तो ब्रेन से ओवरी में एक साइकिल चलता है ऊपर, और एक नीचे देखिए यूटेरस में एक साइकिल चलता है, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकल में जो चेंजेस आते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग के बाद, ल्यूटिनाइजेशन के बाद जो फेज आता है, या यूटेरियन साइकिल में प्रोलीफरेटिव फेज एक होता है जो इसके साथ चलता है, सिक्रेटरी फेज है जो इसके साथ चलता है। तो होता क्या है कि ब्रेन से ब्रेन को स्टिमुलस जाता है हाइपोथैलेमस को, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन्स का सीक्रेट होता है, वो उसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, ये FSH के एक्शन के बाद इनकी ग्रोथ होनी चालू होती है, और FSH जब इसमें एक्ट करता है तो यहां से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ईस्ट्रोजन आकर के यहां पर काम करता है, पहले हम इसको देखें, ग्राफिन फॉलिकल बड़ा होने लगा और करीब करीब 2 हफ्ते के बाद में ये इतना बड़ा हो जाता है कि अब इसको बर्स्ट करना जरूरी है, नहीं तो वहां से उस साइड नहीं निकलेगा। शुरू में जो ग्राफिन फॉलिकल का साइज होता है ये 2-6 mm होता है, इमेच्योर है, ग्रो करते करते ये करीब करीब 18-20 mm का जब साइज हो जाएगा, 18-20 mm, देखिए ये साइज मार्क कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़िएगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिखा होगा अगर ओवेरियन सिस्टिक डिजीज है तो उसमें लिखा होगा कि देयर आर मल्टीपल फॉलिकल ऑफ साइज, वो देखिएगा लेस देन 12 mm आएगा,
इसका मतलब है कि फॉलिकल्स हो रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो बस्ट नहीं कर रहे हैं। और 20 mm इज द नॉर्मल साइज वेयर इट वॉन्ट्स टू बस्ट। लेकिन जब वॉन्ट्स टू बस्ट तो बस्ट कैसे करेगा, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, उस साइड को बाहर निकलना है, वो बस्ट करने के लिए एक सिग्नल भेजता है फिर से पिट्यूटरी को कि भाई FSH बहुत आ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत आ गया, अब हमको इसको बस्ट करने के लिए हार्मोन भेजिए। दैट हार्मोन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखिए गुस्से में आता है, अचानक बढ़ता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। अचानक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है और इतना बढ़ता है कि ये इस एग को तोड़ देता है, फॉलिकल को तोड़ता है। फॉलिकल को तोड़ देने से यहां से ओव्यूलेशन हो जाता है, ओसाइट निकलता है, और ये जो बाकी का प्रोडक्ट बचता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करना, यहां से काम था एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना, इसका काम है प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीशन। इन दोनों का फंक्शन यहां पर है। जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है तो एस्ट्रोजन लेवल का काम है वो बढ़ के यूटेरस में जाता है। यूटेरस में यूटेरस की जो सुपरफिशियल लाइन है विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम को वो ग्रो करता है, प्रोलिफरेशन करता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने लगती है, एंडोमेट्रियम बढ़ने लगता है। ग्रो क्यों करता है एंडोमेट्रियम, यूटेरस में एंडोमेट्रियम ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि अगर स्पर्म चला गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो वो आ करके मेरे घर में विश्राम करेगा। यूटेरस में उसको विश्राम करना है, वहीं रहना है, 9 महीने वहीं पढ़ना है। वो अपने लाइनिंग को सॉफ्ट करने लगता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। वो सॉफ्ट हो जाती है, टॉर्चुअस हो जाती है, नरम हो जाती है, ज्यादा होने लगती है, एक हम लोग बोलते हैं बेड बना देती है। मेहमान आता है तो हम बेड सजाते हैं ना, चादर बिछाएंगे, अच्छे से उसको नरम रखेंगे, गद्दा देंगे, तो वो गद्दा और बेड का काम प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम में होने लगता है। और जब ये बस्ट कर गया, ओसाइट निकल गया, ओवुलेशन हो गया, यहां से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगा, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम के जाकर के और सिक्रीटरी बना देता है और सॉफ्ट कर देता है और टॉर्चुअस कर देता है। ये देखिए ये लाइनिंग, देयर इज सिक्रीशन और ये लाइंस बड़े हो रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रहा है, और देखिए लाइनिंग बढ़ते बढ़ते, अगर वो एग नहीं आता है तो इसके ऊपर की लाइनिंग श्रेड करने लगती है, ऊपर की लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो सुपरफिशियल सर्फेस में ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, वो लेयर कट कट के गिरने लगती है। वो लेयर जब कट कट के गिरने लगती है तो वो और एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम ये सारे एक साथ निकलते हैं, विच इज कॉल्ड मेंस। इस बेसिक को याद रखिएगा तो आपको आगे किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट्स द हार्मोन, इसके साथ एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो यहां पर प्रोलिफरेशन करता है, ये ओव्यूलेशन के समय में आकर के सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि FSH बहुत आ गया, आप LH भेजिए। LH आता है बहुत स्पीड में और LH आकर के तुरंत इसको ल्यूटिनाइज कर देता है। देयर इज LH सर्ज, अचानक ल्यूटिनाइज हार्मोन बढ़ता है और बढ़ने के चलते ये इससे ओसाइट निकलता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने से ये प्रॉपर शेप लेता है, नरम बनता है, टॉर्चुअस बनता है, सॉफ्ट हो जाता है और सिक्रीटरी फेज आ जाता है। ये नहीं होने पर मेंसेस हो जाता है। I think this should be clear to all of you now. होता क्या है देखिए, there is hypothalamus. Hypothalamus से एक हार्मोन निकलता है which is known as GnRH, gonadotropin releasing hormone. So there are two gonadotropins which are secreted by pituitary gland. यहां से pituitary gland को आदेश जाता है तो it secretes follicle stimulating hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में क्या था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल में जाकर के इसको स्टिमुलेट करता है, इसको ग्रो करवाता है, और ग्रो करने के चलते जब ये सफिशियंट एस्ट्रोजन यहाँ पर आने लगता है, यहां से मैंने बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद यहां से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा, एस्ट्रोजन विल कम टू द यूटेरस और इसकी लाइनिंग को बनाएगा, इंडोमेट्रियल लाइनिंग को वो बनाता है। और एस्ट्रोजन ज्यादा होने पर देयर इज ये देखिए नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक
बाई FSH टू हाइपोथैलेमस कि अब FSH बहुत हो गया, अब FSH बंद कीजिए, अब आज हमको LH चाहिए फॉर ल्यूटिनाइजिंग द फॉलिकल। यहां से फिर देखिए FSH का सिक्रेशन होता है, ये LH यहां से आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, LH जाकर के इसको यहां से ये बस्ट हो गया, ये ओसाइट निकल गया और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर गया, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम है यहां से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्टेरोन जाकर के यहां पर सिक्रीशन को फैलाता है और इस तरह से यूटेराइन बेड को प्रिपेयर करता है। तो यूटेराइन बेड जब प्रिपेयर हो जाती है सो दैट इट वेट्स फॉर द ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम टू कम, फर्टिलाइज्ड ओवम अगर नहीं आता है तो यहां की चीजें श्रेड होकर के निकल जाती है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। एम आई क्लियर? कुछ पूछना होगा तो लेक्चर के बाद जरूर पूछ सकते हैं। अब PCOS की हम पहचान कैसे करते हैं, ये तो हो गया हार्मोनल, हार्मोन्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे होता है वो बता दिया मैंने। अब एक डॉक्टर रॉटरडम का क्राइटेरिया वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, सारी दुनिया में इसी को माना जाता है। पहले लोग बोलते थे कि PCOD पे अगर ओवरी में सिस्ट नहीं है तो हम कैसे मान लें, लेकिन आज ये जरूरी नहीं है, आज ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि देयर आर थ्री क्राइटेरिया, ये तीन में से कोई दो क्राइटेरिया भी अगर मौजूद है किसी पेशेंट में तो उसको हम मानेंगे कि वो PCOS का पेशेंट है। नंबर वन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ड्यू टू एन ओवुलेशन और ओलिगो ओवुलेशन। अभी मैंने बताया था कि फॉलिकल अगर मैच्योर नहीं करेगा तो फॉलिकल मैच्योर नहीं करेगा तो वो बस्ट करके उससे ओसाइट नहीं निकलेगा, ओसाइट जब नहीं निकलेगा तो पीरियड्स नहीं होगा, मेंस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो देर इज एन ओवुलेशन, नो मेंसेस विच में लीड टू फर्टिलिटी। कभी कभी हल्का इंबैलेंस रहे तो एक महीने दो महीने तीन महीने बाद थोड़ा सा मेंस हो जाता है, कोई कोई एक आध फॉलिकल मैच्योर कर गया, दैट इज ओलिगो ओवुलेशन, ओवुलेशन बहुत कम होना, तो ओवुलेशन बहुत कम होगा तो पीरियड्स बहुत कम होगा, पीरियड्स कम होगा तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी होगी, प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और सेकंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एविडेंस ऑफ क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म। एंड्रोजन मेल हार्मोन है, एंड्रोजन बढ़ने से कैसे पहचानेंगे, तो अभी मैंने बताया कि देर इज हिर्सुटिज्म, मेल लाइक सिम्टम्स, मेल लाइक हेयर ग्रोथ, दैट इज क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म। आप क्लिनिकली पेशेंट को देख के समझ रहे हैं कि एंड्रोजन लेवल ज्यादा है, सीवियर एक्नी है, सीवियर हेयर फॉल है, मेल लाइक हेयर फॉल, मेल लाइक बॉल्डनेस, ये हो गया क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म। और एक हो गया बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब हम लेबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट में देखेंगे कि उसका LH और FSH का प्रोपोर्शन सही नहीं है, उसको एंड्रोजन लेवल या टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है, मेल हार्मोन ज्यादा है, या उसको हाइपर इंसुलिनेमिया है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में। एक और हार्मोन का हम टेस्ट करते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, दैट इज SHBG। ये डिटेल में बताऊंगा, SHBG इज सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये होता क्या है कि एंड्रोजन को बांध के रखता है बाइंडिंग, तो SHBG अगर कम होगा तो वो एंड्रोजन को बांध के नहीं रखेगा, एंड्रोजन ब्लड में आने लगेगा, तो देयर इज विल बी इंक्रीज इन द एंड्रोजन लेवल इन द फीमेल। और थर्ड जो है जो विजिबल है क्लिनिकली, सॉरी क्लिनिकली बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, सो दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी पहले था, ये देखिए पुराना है, लिखा हुआ है कि 12 से ज्यादा फॉलिकल अगर आपको मिले एक ओवरी के अल्ट्रासाउंड करने पर, अगर 12 से ज्यादा फॉलिकल मिले जिसका 2-9 डायामीटर होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि मैच्योर फॉलिकल 18-20 mm का होता है, इमैच्योर फॉलिकल अगर 2-9 mm आपको मिलते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारा फॉलिकल मैच्योर कर रहा है, बहुत सारा फॉलिकल छोटा 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 मैच्योर कर रहा है, इमैच्योर है, मैच्योर पूरा नहीं कर रहा, आधा मैच्योर किया रुक गया, आधा मैच्योर किया रुक गया, तो वो जाकर के ओवरी के साइड्स में ऐसे सजा जाता है, अपने आप वो ओवरी की साइड्स में आ जाता है, जो देखने में एक नेकलेस जैसा लगता है, जैसा नेकलेस हम पहनते हैं मोतियों का नेकलेस, तो उस तरह का वो प्रेजेंस आता है, देखने में वैसा लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस प्रेजेंस, लाइक पर्ल, मोतियों का जो हार, मोतियों की माला होती है, उस तरह से वो
ओवरी के चारों तरफ मिलेगा अल्ट्रासाउंड में, मैं दिखाऊंगा उसके पिक्चर आपको। ये तीन है, अब ये देखिए तीन में से डिसाइडेड है कि दो होने पर पीसीओएस है। तो अब ये हो गया, इसका फिनोटाइप कैसे डिसाइड करेंगे हम कि किस किस कारण, किस किस स्थिति में हम मानेंगे कि पीसीओएस है। तो अगर एक और दो मिला तो भी पीसीओएस है, एक और तीन मिला तो भी पीसीओएस है, दो और तीन मिला तो भी पीसीओएस है, तीनों मिला तो भी पीसीओएस। तो चार कंडीशन ऐसी हो सकती है, चारों में से कोई एक कंडीशन मिले तो हम ये मान सकते हैं कि उस फीमेल को पीसीओएस या वो पीसीओएस से पीड़ित। ये देखिए चार चारों फेनोटाइप मैं बता रहा हूं। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया 1 2 3, ये देखिए इसमें 1 2 3 तीनों हो गया, 1 और 2 हो गया, 1 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया। किसी भी ये चारों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ये अगर मिले तो हम उस पेशेंट को पीसीओएस का पेशेंट बोल सकते हैं, भले अल्ट्रासाउंड में उसमें सिस्ट नहीं मिलता है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेरा सबसे अनुरोध है फिर से एक बार कि इस स्लाइड और इसके बाद वाली स्लाइड को आप समझने का प्रयास करें, इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है टू अंडरस्टैंड द पीसीओएस। पीसीओएस को समझना हो तो इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए। ये हॉर्मोन्स का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ है एक, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, दिस इंडिकेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ये ब्लू जो लाइन है दिस इंडिकेट्स ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है जो ग्राफियन फॉलिकल जब बस्ट करता है इसके बाद होता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो होता क्या है, अभी मैंने आपसे जब बात की शुरू में, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन से फॉलिकल में स्टिमुलेशन होता है, फॉलिकल का ग्रोथ चालू हो जाता है। ये देखिए आप फॉलिकल्स, जितने सारे फॉलिकल हैं ये फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू हाई FSH। फॉलिकल की ग्रोथ होने लगती है, बहुत सारे फॉलिकल ग्रो करने की कोशिश करते हैं लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एक ही फॉलिकल, जो सबसे स्मार्ट मानते हैं हम जिसको, जो सही मायने में लायक है ग्रो करने के, वही फॉलिकल ग्रो करता है प्रॉपर। तो प्रॉपर ग्रो करता है मतलब कितना ग्रो करेगा, इट विल बी 18 to 20 m। यहां पर आकर के देखिए FSH बढ़ रहा है जा रहा है। और FSH के चलते मैंने बताया था कि FSH जब यहां पर काम करना एक्टिवेट करना चालू करता है तो ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन देखिए ये रेड इंक, ये रेड कलर जो है ये ग्राफियन फॉलिकल के साथ इसकी ग्रोथ हो रही है। एक समय ऐसा आता है कि जब FSH और ईस्ट्रोजन ये दोनों ज्यादा हो जाता है, सफिशियंट हो जाता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ये देखिए ईस्ट्रोजन, ये जो मैंने दिखाया है ये नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की, यूटेरस के एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये उसकी ग्रोथ को दिखा रहा है। ये 0 डे, ये 14th डे, ये 28th डे, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंडिकेट करता है। तो जब ईस्ट्रोजन एक लेवल तक बढ़ने लगता है तो इस सेंड्स ए सिग्नल टू ब्रेन कि भाई अब FSH बहुत हो गया, अब मुझे LH भी। मैंने अब बार बार एक वर्ड यूज किया है LH सर्ज, कि LH अचानक हैवी अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यू कैन सी दिस LH इज नॉर्मली एकदम नॉर्मल वे में जा रहा है, कहीं कोई अचानक बढ़ता नहीं है, लेकिन ओवुलेशन के आसपास जब ग्राफियन फॉलिकल पूरा मैच्योर कर जाता है, वो मैच्योर करने के चलते ये LH अचानक बढ़ने लगता है, LH का सर्ज होने लगता है। तो LH सर्ज होने के चलते ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर जाता है, बस्ट करने से इससे जो डिस्चार्ज निकला वो कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से जो निकलता है हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन, अभी मैंने आपको बताया। तो LH निकल करके यहां से जब बस्ट कर गया उसके बाद ये फिर अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। ईस्ट्रोजन LH को यहां तक FSH आया, FSH ये बढ़ गया, ये बढ़ने के बाद ईस्ट्रोजन लेवल फिर नॉर्मल अपना मौसम का भी अभी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। पार्डन, सॉरी सर, ये कोई अनम्यूट थे तो उनके मुझसे आवाज आई है, सॉरी। तो ईस्ट्रोजन लेवल के चलते यहां पर ये जो लाइनिंग है देखिए, लाइनिंग बड़ी हो रही है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग इतनी थी, एक हफ्ते बाद इतनी हुई,
14 दिन के बाद इतनी हो गई, उसके बाद ये और बढ़ती गई। इसमें यहां पर ग्राफिन फॉलिकल बस्ट करके कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन देखिए उसके चलते यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, सिक्रेटरी फेज बहुत आ जाता है, और यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग नहीं आया, तो यही लाइनिंग जो है ये कट कट के गिरने लगती है और इसके बाद पीरियड्स में। तो दिस इज द बेसिक आइडिया इन ए ग्राफ दैट व्हाट हैपेंस नॉर्मली इन दीज केसेस। नाउ कम टू अगेन वेयर देयर इज पीसीओएस, जहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया। कम टू दिस ग्राफ, देखिए अब ये बहुत सारे फॉलिकल यहां पर हैं। इसके पहले वाले में देखिए ये फॉलिकल ग्रो कर रहे थे ना, ये फॉलिकल इतना छोटा सा था, 2 to 6 mm, 9 mm, 20 mm में चला आया, लेकिन इस केस में देयर आर मल्टीपल फॉलिकल्स, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रही है, 2 to 6 mm में ही वो रुका हुआ है, अलग से बहुत सारे फॉलिकल आ गए लेकिन 2 to 6 mm से ज्यादा ग्रोथ इनमें नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है। आप देखिए ये ग्राफ, ये लाइन देखिए, ब्लू लाइन, दिस इंडिकेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, इस ग्राफ में कहीं भी वो बढ़ नहीं रही, वैसा ही है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बढ़ रहा है तो ईस्ट्रोजन कैसे बढ़ेगा? जब तक ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा यहां पर तो एंडोमेट्रियल की ग्रोथ नहीं होगी। होता क्या है कि ग्राफिन फॉलिकल का काम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्राफिन फॉलिकल का काम है ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करना, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल जब मिल जाते हैं तो सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता रहता है। एम आई क्लियर? बहुत सारे छोटे फॉलिकल जो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई लेकिन वो बस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस सबों में थोड़ा बहुत हार्मोन का सिक्रेशन तो नेचुरली होता है। तो वो जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो ये देखिए, ड्यू टू दिस स्मॉल फॉलिकल्स, नॉट ड्यू टू FSH, बट ड्यू टू दिस स्मॉल फॉलिकल्स हु कैन मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन देखिए बढ़ता रहता है। और FSH कम है तो FSH देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ता है तब वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि LH भेजिए ताकि ये बस्ट करे। यहां तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नहीं बढ़ता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब नहीं बढ़ता है तो ब्रेन को वो सिग्नल नहीं जाता है, ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता रहता है, LH लेवल बढ़ता रहता है, कंट्रोल इस पर नहीं रहता है। तो LH जो है, LH तो ऑलरेडी चल रहा है, LH यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है ये कोशिश करता है कि हम जा करके इस फॉलिकल पर काम करें, एक्ट करें, इसको बस्ट करें। लेकिन होता क्या है, देखिए फॉलिकल छोटा हो गया है, फॉलिकल अगर 20 mm का है, 20 mm साइज का फॉलिकल है, उसके अंदर ऊसाइट बन रहा है, थोड़ा सा फ्लूइड है, सब कुछ है, तो उसका इंट्रा फॉलिकुलर प्रेशर बढ़ता रहता है, फॉलिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ता रहता है ताकि LH काम करे तो जल्दी से बस्ट कर जाए। इस केस में इंट्रा फॉलिकुलर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है क्योंकि एक ही साइज छोटे छोटे फॉलिकल्स है, तो अंदर में प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, ऊपर में ग्रोथ नहीं हो रही है, LH कोशिश कर रहा है उसको बस्ट करने की, तो विरोध में और हार्ड हो जाते हैं। जितने भी फॉलिकल्स हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो 2 to 6 mm के साइज के हैं, यूटिलाइजिंग हार्मोन लिखा हुआ है कैन नॉट रप्चर फॉलिकल, फॉलिकल रप्चर करेगा उसके बाद ना प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, तो देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जब नहीं बनेगा इस केस में तो फॉलिकल्स जाकर के एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरॉन नहीं जाएगा तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस नहीं होगा। तो फॉलिकल्स पर LH काम करता है, इसको और हार्डन कर देता है, इसको बर्स्ट नहीं कर पाता है। जब कोई भी फॉलिकल बर्स्ट नहीं करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो देयर इज नो प्रोजेस्टेरॉन। यू कैन सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज सेम, बिल्कुल निल,
बन ही नहीं रहा है प्रोजेस्टेरोन ना, ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकल बर्स्ट नहीं करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है तो इट डजंट गो हियर, आता ही नहीं है, तब होता क्या है, व्हाट डज हैपन। ये देखिए पेशेंट आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जब आप पाएंगे कि पेशेंट आके बोलती है आपको, फीमेल पेशेंट बोलेगी कि डॉक्टर साहब हमको तो पीरियड्स नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ होती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि 2 महीने के बाद एक बार थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है मेंस में, फिर 15 दिन के बाद फिर थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता है, फिर 20 दिन के बाद फिर थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता है, लेकिन हमको तो प्रॉपर होता नहीं है, लेट होता है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, देखिए ना क्या बात, वो कारण क्या है। आप भी सोचेंगे ना कि पेशेंट तो बोल रही है हमको मेंस हो रहा है, हर 2-3 महीने बाद एक बार हुआ, 10 दिन बाद, 15 दिन, 20 दिन ऐसे होता रहता है ब्लीडिंग। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज प्रोजेस्टेरोन नहीं है, एंडोमेट्रियल की अपनी ग्रोथ, एंडोमेट्रियल में प्रोजेस्टेरोन काम नहीं करता है, लेकिन ईस्ट्रोजन तो काम कर रहा है, ये ईस्ट्रोजन लेवल तो हाई है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल कौन कहां से आई हो रहा है, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स बहुत सारे हैं वो थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन बना रहे हैं, तो एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन चलता है। देखिए दिन दिखा रहा है 28 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो होता क्या है, एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियम ग्रोथ बढ़ते रहते हैं, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन वहां सिक्रेटरी फेज से प्रोजेस्टेरोन नहीं जाता, अल्टीमेटली ये एंडोमेट्रियम ग्रो करके वही रहता। तो जब ग्रोथ होगी होता क्या है, इनफैक्ट जब बहुत इसकी ग्रोथ हो गई तो ब्लड की सप्लाई जो है वो इस लेवल तक नहीं आ पाती, यहां से ब्लड चलता है तो इतनी हाइट तक ब्लड बहुत बार नहीं आ सकता है। ड्यू टू दिस देयर इज इस्कीमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन द टॉप। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर किसी जगह पर ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वो क्या होगा, इट विल डिजेनरेट, इट विल श्रेड, वहां से वो परत झड़ने लगे। तो जब यहां की ये परत झड़ गई तो उसको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती, और इस थोड़ी सी ब्लीडिंग के बाद में थोड़े दिनों के बाद यहां से परत झड़ती है तो फिर थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। तो पेशेंट आपको यही बोलेगा, यहां हमको ब्लीडिंग हुई, यहां हमको ब्लीडिंग हुई तो नहीं बोलेगी, बोलेगी पेशेंट बोलेगी कि मेंस हो रहा, यहां हमको मेंस हो गया, यहां मेंस हो गया, यहां मेंस हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज नॉट मेंस, ये तो मेंस तो है नहीं, ये तो एंडोमेट्रियल की टॉप लाइनिंग ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो धीरे धीरे नष्ट होकर के गिर रही है, नष्ट होकर के झड़ रही है। तो वो नष्ट होकर के जब झड़ने लगती है तो उसके चलते उसको पेशेंट को इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होने लगती है। दिस इंटरमिटेंट ब्लीडिंग ऑफकोर्स इज नो मेंस्ट्रुएशन, और यही कारण है कि आपको इस तरह का पेशेंट जब आता है तो उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। आज का पेशेंट बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार है, और डॉक्टर गूगल की ऐसी कृपा है हम लोगों पर, जो डॉक्टर गूगल से सब पढ़ के आता है, सब कुछ चेक करवाता है, टेस्ट करके आके आपको बोलेगा डॉक्टर साहब ये LH क्या है, ये FSH क्या है, ये कहीं बढ़ गया है, कहीं घट गया है, थोड़ा हमको समझा दीजिए। तो आपको समझाना पड़ेगा सर, नहीं समझाने से नहीं चलेगा। नॉर्मली होता क्या है कि FSH जितना रहता है उसके बाद FSH बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर LH आया, फिर बढ़ गया, कम हो गया, नॉर्मल जो उसका रेशियो है दैट इज 1:1। LH आप टेस्ट करवाइए पेशेंट का ब्लड, उस टेस्ट को हम नॉर्मली PCOD प्रोफाइल बोलते हैं, कोई भी फीमेल आए उसका जब ब्लड टेस्ट करना है दैट टेस्ट इज नोन एज PCOD प्रोफाइल, उसमें वो सारे हॉर्मोन्स का टेस्ट करके देंगे। आप देखिए LH और FSH का प्रोपोर्शन कितना है, अगर LH बढ़ा हुआ मिलेगा दैट शुड बी मोर देन 3:1, पहले 2:1 में भी लोग बोलते थे PCOD, आजकल 3:1 अगर है LH और FSH का प्रोपोर्शन, मतलब LH बहुत ज्यादा बढ़ गया है, FSH कम है, तो ये कंडीशन पैदा हो रही है। LH बढ़ा हुआ है, FSH देखिए कम हो गया है, तो दिस प्रोपोर्शन इज नॉट नॉर्मल। इसके पहले वाले में देखिए LH और FSH दोनों एक साथ चल रहा था ना, ये बिल्कुल एक साथ चल रहा था नॉर्मल कंडीशन में, ये ग्राफ है तो नॉर्मल कंडीशन में इट वॉज 1:1 सेम, लेकिन इस कंडीशन में देखिए आप
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एकदम स्टेल कम है, एलएच पूरा बढ़ा हुआ है, ये जो है इट कम्स मोर देन 3:1। अगर LH और FSH का रेशियो 3:1 है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये केस PCOS का है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी हो जाती है। दिस इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस और ये ब्लड की सप्लाई, सिक्रेटरी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन के लेवल के चलते ये देखिए एंडोमेट्रियम कैसा हो गया, कंप्लीटली वैस्कुलराइज्ड, इट बिकम्स ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, ये बुरा टॉर्चुअस हो जाता है, थोड़ा सा टच करने से वो फट सकता है, वही होता है। दिस इज अ नॉर्मल एंडोमेट्रियम, इसमें देखिए कोई ऐसा कंजेशन नहीं है। दिस इज द एंडोमेट्रियम आफ्टर द एस्ट्रोजन एक्शन, एस्ट्रोजन जाकर के यहाँ प्रोलिफरेशन करता है, ये पूरा टॉर्चुअस हो जाता है। दिस इज द कंडीशन इन एंडोमेट्रियम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये जाने एक और कंडीशन होती है, जैसा मैंने बताया था आपको कि इंसुलिन का अगर रेजिस्टेंस है किसी बॉडी में तो उस पेशेंट को पीसीएस का लक्षण आना ही आना। होता क्या है, ये ओवरी है, ओवरी को ब्लड की सप्लाई ओवेरियन आर्टरी से होती है, ओवेरियन आर्टरी के चलते ब्लड यहां जाता है और उस ब्लड में इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है, बॉडी के हर सेल को प्रॉपर ग्रोथ के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का कंट्रोल इंसुलिन करता है बॉडी में, ये तो सबको पता है। तो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंट कोई बॉडी हो जाएगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाने से ग्लूकोज के लेवल को वो नॉर्मल कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इंसुलिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ग्लूकोज लेवल जब ओवरी में प्रॉपर नहीं जाएगा तो वहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसे होगी। किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए तो ग्लूकोज चाहिए, तो देर इज लैक ऑफ लेस ग्लूकोज इनटेक, यू कैन सी देर इज लेस ग्लूकोज इनटेक, ग्लूकोज इनटेक अगर कम हो जाएगा तो देर लेस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री में भी आ सकती है, लेकिन ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है एक बॉडी, उसमें ग्लूकोज का इंटेक कम हो जाता है सेल्स के द्वारा, ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग, सो देयर आर लेस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, जब लेस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होगा, फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा तो अपने पीसीओएस डेवलप कर जाएगा, एंड्रोजन लेवल बढ़ने लगता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको थोड़ी देर बाद। और इसकी पहचान है कि सेरम इंसुलिन जो है फास्टिंग, ये हाई हो जाता है इंसुलिन लेवल, इसलिए जब भी पीसीओएस का पेशेंट आपको डाउट हो तो उसको सेरम इंसुलिन जरूर टेस्ट करवाइए। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कितना हाई परसेंटेज है, अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट्स आर हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर एक पेशेंट को पीसीओडी में आपको सिस्ट नहीं मिलता है लेकिन आप टेस्ट करते हैं उसका LHFS रेशियो गड़बड़ाया हुआ है, उसका इंसुलिन इनटेक गड़बड़ाया हुआ है, उसका सेरम इंसुलिन लेवल हाई है, इट इंडिकेट्स that the patient may be suffering from PCOS. ये देखिए ये सारे कुछ थोड़े बहुत सिग्नल्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक पेशेंट को PCOS है। एन ओवुलेशन, पेशेंट को ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट की ग्राफिन फॉलिकल ग्रो नहीं कर रही है, there is no means there is infertility. Oligomenorrhea, ओलिगोमेनोरिया होने से 2-3 महीने एमेनोरिया उसको हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। हिर्सुटिज्म में बहुत बार आपको समझाया, तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एंड्रोजन लेवल जब हाई हो जाएगा तो वो हिर्सुटिज्म हो जाता है। ओबेसिटी जो है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट्स में ओबेसिटी डेवलप करने लगती है ड्यू टू हाइपर ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यूज। ये देखिए LHFSH जो है ये रेशियो इट बिकम्स 3:1 वेयर एज नॉर्मल इज 1:1। इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उसका ब्लड टेस्ट करवाइए तो आपको मिलेगा कि इंक्रीज इंसुलिन है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन है। और अभी मैंने बताया था आपको SHBG हार्मोन कम होने लगता है। SHBG हार्मोन इज अ बाइंडिंग हार्मोन जो एंड्रोजन को बाइंड करके बांध करके रखता है ब्लड में, जब वो बाइंड करके नहीं रखेगा तो ऑटोमेटिकली ये लेवल बढ़ने लगेगा। ये देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बार बार बताया था
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आई दैट इज नेकलेस नेकलेस लाइक सिचुएशन ऑफ द फॉलिकल्स. ये देखिए ये ओवरी है और ओवरी में आप देखिए ये बिल्कुल एक नेकलेस के समान ये जितने भी फॉलिकल्स हैं ये अरेंज्ड. दिस इज एक वेरी स्पेशल फीचर इन केस ऑफ पीसीओएस. इफ यू गो फॉर अल्ट्रासाउंड बहुत सारे केस में नहीं मिलेगा, बहुत सारे फॉलिकल मिलेंगे. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर आपको रिपोर्ट देगा कि देखिए इसमें बहुत सारा फॉलिकल्स है जो ग्रो नहीं किया, उसका साइज बता देगा, 10 mm से बड़ा नहीं मिलेगा आपको, तो वो ग्रो नहीं कर रहा है. लेकिन बहुत सारे केस में LH का ओवर प्रेशर करने के चलते ये बिल्कुल ओवरी के बॉर्डर में इस तरह से मोतियों के हार के समान ये सज जाते. डॉक्टर एडम्स का क्राइटेरिया इसको बोलते हैं जिसमें ओवरी का वॉल्यूम जो है वो 10 mL से बढ़ जाता है. फॉलिकल्स बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं तो ओवरी का नॉर्मल वॉल्यूम 9 mL 10 mL तक होता है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है. आजकल जो क्राइटेरिया आ गया, मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि 12 से ज्यादा फॉलिकल होने चाहिए, लेकिन अब जो नया क्राइटेरिया आया है उसमें ये कहा गया है कि 20 से ज्यादा फॉलिकल होने चाहिए. इफ देयर आर मोर देन 20 फॉलिकल्स, इफ द साइज इज 2 to 9 mm, देन दिस केस विल बी ऑफ PCOS. आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. Now we will come to sign and symptoms. देखिए एक ये बहुत मशहूर पेंटिंग है, इसका नाम है लाबा डूबा. इसमें एक 52 साल की महिला है, ये महिला है, इसको देखिए पूरे दाढ़ी मूंछ सब कुछ है. दिस इज हिर्सुटिज्म, सीवियर केस ऑफ हिर्सुटिज्म, और ये अपने बच्चे को दूध पिला रही. वेरी वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ सच अ ह्यूज केस ऑफ हिर्सुटिज्म. उसके बाद बहुत मुश्किल से उसको 3 स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के बाद बच्चा हुआ जो उसको फीड कर रही है. दिस इज अ रियल लाइफ पिक्चर. एक और रियल लाइफ पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, आप शॉक में आ जाएंगे. सी दिस लेडी, ये बच्ची है, शी लिव्स इन लंदन, शी इज स्टिल देयर. तो हिर्सुटिज्म इज अ कंडीशन इन वुमन दैट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डार्क और कोर्स हेयर इन अ मेल लाइक पैटर्न, फेस, चेस्ट, बैक. विथ हिर्सुटिज्म एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ऑफन अराइजेस फ्रॉम द एक्सेस मेल हॉर्मोन्स. अभी मैंने बताया आपको कि एंड्रोजन लेवल जब बढ़ जाएगा तो इस तरह की ग्रोथ देखने मिलेगी. यू सी दिस ब्यूटिफुल गर्ल, ड्यू टू हिर्सुटिज्म यू कैन सी दीज आर द हेयर ग्रोथ. इस तरह के देखिए, जब भी आपके पास हिर्सुटिज्म का पेशेंट आएगा, अगर ज्यादा लेवल में है तो माइंड माय वर्ड्स, आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ दीज केसेस, द गर्ल्स द लेडीज बिकम डिप्रेस्ड. सोशल एक स्टिग्मा हो जाता है कि हम बाहर कैसे निकले, इस तरह की ग्रोथ हो रही है, सहेलियां टोकती हैं, समाज टोकता है, कह रहे क्या हो गया, इस तरह का हेयर ग्रोथ हो गया. दिस इज ए वेरी ब्रेव गर्ल, शी इज ए वेरी वेरी ब्रेव गर्ल. इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ हेयर, पूरे चेस्ट में भी है, बियर्ड में भी है, और शी इज लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ, शी लिव्स इन लंदन, लोग उस पर हंसते भी हैं. शी इज ए टीचर, शी इज टीचिंग इन अ स्कूल. और बहुत इस तरह के पेशेंट को हम लोगों को बहुत ज्यादा सांत्वना और साहस देना चाहिए कि समाज को कैसे फेस करें, कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात नहीं है, कॉस्मेटिक वैल्यू ज्यादा है, देखने में लगता है अजीब. देखिए ये सब हिर्सुटिज्म के पेशेंट्स हैं. देखिए कैसे ग्रोथ हो रही है इसकी, चिन में है, फेस पूरा फेस में है, ये देखिए साइड्स में पूरा ग्रो कर गया. इसको तो देखिए पूरी मूंछ ही आ गई, दाढ़ी भी आ गई. These are the cases of hirsutism. Upper lip, sideburn area, chin, jaw and neck, upper back, lower back, chest, upper abdomen, lower abdomen, upper arm, thighs. ये gynecology की bible हम लोग बोलते हैं, Novak's guide. ये description वहीं से लिया गया. See this lady. Yeah, a little bit because sometimes when I go to the public toilets and someone. ये लोग नजर आए. Oh, this is the women's, and I actually put on a deep voice and I say, no, this is women's. So I kind of play around with it, and it's funny because we all end up laughing. Today things are looking up for Hanam.
She works as a primary school teaching assistant, and she's teaching her. She's a teacher from women and men around the world who say they love her beard. One guy saw my picture and he goes, "Will you marry me?" And she hopes her story will styling करती है एक normal life जीने की कोशिश कर रही है यही अपने patient को हमको बताना ये बहुत छोटा मैंने दिखाया ये बहुत बड़ा interview है इसका. Now come to the next feature that is acne vulgaris. मैंने शुरू में आपको बताया था कि acne vulgaris जो होता है वो extra androgen के secretion होने लगता है androgen जा करके फिर हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ जड़ पर जाकर के रूट ऑफ हेयर फॉलिकल वो सेबम जमा हो जाता है एंड दिस काइंड ऑफ एक्नी यू विल फाइंड दीज आर नॉट नॉर्मल एक्नी. इस तरह का एक्नी मिले हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा मिले तो इमिडिएटली गो फॉर द ब्लड टेस्ट कंफर्म दैट दिस इज अ केस ऑफ पीसीओएस. मेल टाइप एलोपीशिया मेल काइंड ऑफ बॉल्डनेस मेल हॉर्मोन ज्यादा है तो मेल हॉर्मोन मेल टाइप बॉल्डनेस देखिए दिस काइंड ऑफ बॉल्डनेस दिस काइंड ऑफ फ्रंटल बॉल्डनेस ये सारी चीजें आपको पेशेंट फीमेल्स में मिलने लगेंगी. एंड द रीजन देखिए एक रीजन वही रीजन है हर जगह दो तीन सिंपल से पॉइंट है ग्राफेन फॉलिकल रिलेटेड विथ एफ एस एच कॉर्पस ल्यूटियम रिलेटेड विथ प्रोजेस्टेरोन एंड एल एच हिर्सुटिज्म मेल पैटर्न बॉल्डनेस acne vulgaris all related with high androgen levels high testosterone levels you can see this the reason is high androgen level yaad rakhiye ye sara kuch samajh mein aa jayega and this is a very peculiar feature skin symptom of PCOS that is known as acanthus nigricans. ye dekhiye velvety appearance in the neck dekhiye neck mein dekh rahe hain कैसा ब्लैक स्किन थोड़ी सी लेयर इसकी ऊपर आ जाती है. ये बहुत से फीमेल्स में आपको मिलेंगे ये देखिए मेल्स में भी मिलती हैं बहुत से मेल में ये आपको मिलेगा पर्टिकुलरली बैक ऑफ नेक फ्रंट ऑफ नेक और वेलवेटी अपीयरेंस तो देखने में बहुत खराब लगने लगता है क्योंकि सामने दिखता है. दिस ऑल्सो इज अगेन ड्यू टू हाई एंड्रोजन और इसके साथ इंसुलिन लेवल भी इसमें एसोसिएटेड होते हैं हाई इंसुलिन high androgen there is formation of a eruptions la velvety growth bolte hain velvet ka kapda jaisa hota hai us tarah ka growth yahan par aane lagta hai blackish appearance of the skin this is known as acanthosis nigricans. patient ko obesity bar bar hum bolne ki motapa hai ki nahi wo janna bahut zaruri hai uske liye uska bmi check karna bahut zaruri hai theek hai body mass index ये बॉडी मास इंडेक्स एक इंडिकेटर है साइंटिफिक इंडिकेटर है कि वो पेशेंट को हम ओबीस कहेंगे या नहीं कहेंगे. बीएमआई का फॉर्मूला होता है किसी पेशेंट का वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर इससे आप निकालिए तो ये जब निकालेगा दिस इज हाई बीएमआई लेस देन 18.5 इज अंडर वेट मोर देन 18.5 टू 25 इज नॉर्मल मोर 25 टू 30 इज ओवरवेट यहां से चालू होता है 30 to 35 अगर बीएमआई है तो ये आपको ओबेसिटी में आएगी और ये एक्सट्रीम ओबेसिटी में आएगी 35+ आजकल देखिए वेइंग मशीन्स जो आती हैं आजकल लेटेस्ट वेइंग मशीन्स भी आ गई हैं जब पेशेंट वे करता है अपने आप को तो वो आपका बीएमआई अपने निकाल के बता रहती है. सो देयर आर वेइंग मशीन्स विच कैलकुलेट द बीएमआई पेशेंट का वेट देखिए साथ में बीएमआई अपने आ जाता है. तो इफ दीज आर द साइंटिफिक जब पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि आप ओबीज हैं अगर आप वजन कम नहीं कीजिएगा तो आप नहीं ठीक हैं. ये ओबीसिटी 50% ऑफ पेशेंट्स ओबीसिटी के पीसीओएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. 80% उस 50% में से 80% पेशेंट को जब देखिएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगा. कितना इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए. मोटापा है तो पीसीओएस होने का चांस ज्यादा है. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो और ज्यादा हाइपर इंसुलिनमिया. डॉक्टर सिंह मैं माफी चाहता हूँ मैं बीच में बोल रहा हूँ सर हमारे लास्ट के 5 मिनट बचे हैं हम जनरली 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं सर. ठीक है तो मैं इसको कम कर देता हूं. तो ये जो भाई मैंने बताया था कि इंसुलिन बढ़ जाएगा
LHFS रेशियो 3:1 हो जाएगा, लेवल ऑफ हार्मोन जो है वो SHBC कम हो जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आते हैं, सबसे जरूरी है डाइट कंट्रोल। तो डाइट कंट्रोल में क्या खाना है, ये कुछ है चीज जो खाए पेशेंट तो उसको फायदा मिलता है। फेनोग्रीक, मेथी, एप्पल, नट्स, पंपकिन सीड्स, ब्लूबेरीज, इस तरह की चीजें जो हैं ये खाने पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेशंस तो मैंने सब बता दिया आपको। एक चीज याद रखिएगा कि एलोपैथिक दवाई है क्लोम्फीन साइट्रेट। तो क्लोम्फीन साइट्रेट जो है ये सब बहुत अच्छी दवा है एलोपैथिक दवा कंट्रोल करने की। ये मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि बाद में काम आएगा, थोड़ा सा 5 मिनट मुझे लगता है कि ज्यादा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट दवाएं हैं सीपिया, कैल्केरिया काप, सेनेशियो, ओलियम जैकोरिस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर हिर्सुटिज्म, थायरोडिनम, एपिसमेल, थूजा एंड पल्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट मेडिसिन। मैं जानता हूं कि सभी डॉक्टर हैं, आप लोग इसको केस स्टडी भी कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, बट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन 4 मेडिसिन विच आर मदर टिंचर विच आई हैव टेकन फ्रॉम आयुर्वेदिक फार्माकोपियाज एंड आयुर्वेदिक फ्रेंड्स विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव। इसको ध्यान से देखिए, देयर इज अ मेडिसिन नोन एज एस्पैरागस, इसको आयुर्वेद में शतवरी बोलते हैं, इसका मदर टिंचर आप दीजिएगा। शतवरी का काम है हर चीज को एक्टिवेट करना, रेगुलराइज पीरियड, रेड्यूसेस एंड्रोजन लेवल, मैनेज PCOS। शतवरी इसको आयुर्वेद में धड़ल्ले से यूज करते हैं। शतवरी आपको कैप्सूल्स मिल जाएंगे पतंजलि के, बाकी आयुर्वेद कंपनीज के भी, इसका मदर टिंचर मैंने प्रयोग किया है, बहुत हेल्प। नेक्स्ट इज सिमी सिफुआ। मैं बता रहा था ना क्लोमिफिन साइट्रेट जो दवा है एलोपैथ में, जिससे वो केसेस बहुत जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि एक नेगेटिव फीक देता है FSH को। एक स्टडी हुई थी सिमी सिफुआ के मदर टिंचर पर। सर मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं सर। हो गया, मेरा खत्म हो गया सर। हाँ जी, अब देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। शायद 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, इसको मिस नहीं कर सकते आप। ये ओवेरियन ड्रिलिंग है, ओवरी को ड्रिल करके, ओवरी को ड्रिल करके 8 जगह में ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करके वहां से एक्स्ट्रा टिश्यूज निकल जाते हैं तो वो ओवरी फंक्शन उसका नॉर्मल हो जाता है क्योंकि एंड्रोजन लेवल उसका कम हो जाता है। ये देखिए, बस एक बार मैं दिखा दूं, ड्रिल होता है, ये देखिए ड्रिल कर रहा है ओवरी को, ड्रिल करने के बाद चल रहा है, ये देखिए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करने से एंड्रोजन लेवल उसका कम होने लगता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। और एक और मैं दिखाता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ओवेरियन सिस्ट का, इसको मिस मत करें आप। ड्यूरिंग वुमन इज एक्चुअली फुल टर्म प्रेग्नेंट बट शी आल्सो हैज ओवेरियन सिस्ट, इतना बड़ा हो सकता है वो आप देख। एंड दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेशन इन नाइजीरिया। So in a procedure that looked something like this, doctors were able to remove cystitis. And the question is, what happened to the baby? And we'll cover that here in a moment. But first, here's an image of the doctor holding the actual cyst. After the picture. Holy cow. This is the size of the cyst. Technically speaking, the cyst itself exploded during operation, spilling gallons of fluid. What happened to the mother? This is mother and the child. C-section and the baby. She was pregnant. I'm sorry to disturb you. Thank you very much. थोड़ा हड़बड़ी में करना पड़ा, लेकिन I hope you have liked it. Thank you so much. थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा डॉक्टर साहब, आपने तो थैंक यू बोल दिया मेरे बोलने के पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आप थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट भी हम लोगों को सुनाइए। आज ये आपका अधूरा रह गया, कल को फिर एक बार, कल नहीं मतलब ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे आपसे, है ना? कल फिर एक क्वेश्चन है जो हम लोग फिर से कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि सर आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग करें और आपको अच्छा लगा हो सबको। मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे रिमार्क्स जो ऑडियंस के हैं, बहुत ही फेवरेबल, बहुत फैंटास्टिक है प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा लगा। और आप एक बार, लेकिन मैं खाली ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आ जाइए फिर दोबारा, समझ लीजिए क्योंकि टाइम लिमिट है हमारा, 8 बज गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
अभी हम लोग इंग्लिश सेशन में जाएंगे, आपका आदेश सर आंखों पर, ठीक है। एक हम लोग और सिटिंग करेंगे, उसमें आप हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, जो थोड़ा पोर्शन छूटा वो भी कर लेंगे। एक बार फिर मैं समय आपसे मैं फोन से बात कर लूंगा जी सर, आपसे और ले लूंगा जी सर अवश्य। संदीप जी, कुलवंत जी को भी तो मैं खाली इतना बताना चाहूंगा, कुलवंत जी और हम लोग साथ साथ काम किए हैं बहुत सारा। काउंसिल में हम लोग का एजुकेशन कमिटी था, तो वो सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर भी आपका जो सिलेबस इसका बनाने में जो हाथ है उसमें डॉक्टर कुलवंत सिंह का है हाथ हम लोग के साथ में। और ये इनका एजुकेशन से जो है प्रैक्टिस एजुकेशन सारे चीज बहुत अच्छे हैं। हम भी रिटायर हो गए, सब भी रिटायर हो गए, हम लोग रिटायर हो गए खाली अभी। ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। सर आपका नॉलेज हम सबको मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कुलवंत सिंह सर, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था। और सर सानी सर, आपके हम हमेशा भारी हैं कि इतने दिग्गज लोग हमारे मंच में आते हैं आपके द्वारा, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर साहनी सर मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गाइड हैं, सब कुछ साहनी सर हैं। उनको मैं कभी उनका एहसान कभी भूल नहीं सकता सर। अभी लेकिन दोबारा प्रॉमिस करके जाइए फिर आइएगा। 100% आपका जब ऑर्डर होगा आई विल बी देयर। Thank you, sir. Thank you.